नमस्कार दोस्तों, हिंदुत्व ब्रेकिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में ग्रूमिंग जिहाद का मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग हिंदू लड़की से निकाह करने कोर्ट पहुंचे मुस्लिम युवक को वकीलों ने पकड़ लिया। पीड़िता को बुर्का पहना दिया गया था, लेकिन उसके सिंदूर को देखकर अधिवक्ताओं को शक हुआ। आरोपित का नाम रेहान उर्फ मोहम्मद मुस्लिम था, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। घटना शनिवार 31 मार्च 2024 की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटनाक्रम की शुरुआत जौनपुर जिले के थाना क्षेत्र खुटन से होती है। 31 अगस्त शनिवार को यहां हिंदू समुदाय का एक व्यक्ति पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि 29 अगस्त मंगलवार को उनकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी को रियान उर्फ मोहम्मद मुस्लिम नाम का युवक बैला फुसलाकर कहीं भगा ले गया है। मोहम्मद मुस्लिम भी जौनपुर जिले का ही निवासी है। इस शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 137(2) के तहत केस दर्ज करके जांच और पीड़िता की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस अभी पीड़िता की तलाश में जुटी ही थी कि जौनपुर शहर की दीवानी अदालत में शनिवार को ही रेहान पीड़िता को लेकर पहुंच गया। उसने लड़की को बुर्का पहना रखा था। दोनों ने नोटरी हल्फनामे से निकाह कर लिया। इसी दौरान कुछ वकीलों को शक हुआ कि पीड़िता नाबालिग है। उन्होंने यह भी देखा कि बुर्का पहने होने के बावजूद पीड़िता ने सिंदूर लगा रखा है। किसी धोखाधड़ी की आशंका से वकीलों ने मोहम्मद मुस्लिम और पीड़िता को रोक लिया और पूछताछ शुरू कर दी। इस घटने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसी बीच मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर मोहम्मद मुस्लिम सहित पीड़िता को अपने साथ ले गई। जौनपुर पुलिस के मुताबिक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में जांच व अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोपित के खिलाफ केस दर्ज में भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 87 और 64 के साथ पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई है।